गाइस दिस इज अविनाश कुमार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेंडिंग के बारे में। दोस्तों जो लोग ड्राइंग और स्केचिंग करते हैं वो दोस्तों जानते होंगे ब्लेंडिंग क्या चीज़ है। दोस्तों ब्लेंडिंग मतलब अपन किसी भी पेंसिल से शेड करके उसको अपन रब करेंगे पेपर स्टम से या फिर ब्रश से और टिश्यू पेपर से भी, तो उसको ब्लेंडिंग कहते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में, अर्थात ब्लेंडिंग कैसे करते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये चार चीज़ें हमारे पास ब्लेंडिंग करने के लिए, पेपर स्टम्स, ब्रश, कॉटन बर्ड और टिश्यू पेपर। तो दोस्तों इनसे ब्लेंडिंग करके देखेंगे कि कैसी ब्लेंडिंग हो सकती है, कि किस किस चीज़ों से। तो दोस्तों अभी मैं 6B पेंसिल से शेड कर रहा हूँ। तो दोस्तों स्लोली स्लोली शेड करना है, डार्क प्रेशर लगाकर शेड नहीं करना है, लाइट प्रेशर के साथ शेड कर लेना है। तो दोस्तों मैंने शेड कर लिया है अभी 6B पेंसिल से। तो दोस्तों अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों पेपर स्टम्प से। तो पेपर स्टम्प से दोस्तों ब्लेंडिंग कर रहे हैं अभी हम। दोस्तों इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, देख लो काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो पाया है। तो दोस्तों ये पेपर स्टम्प से ब्लेंड किया हुआ है। अब दोस्तों कॉटन बड से ब्लेंड करके देखते हैं इससे कैसा ब्लेंड हो सकता है। दोस्तों तो कॉटन बड से काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कॉटन है तो इससे काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो रहा है, बहुत स्मूथ। दोस्तों हल्के प्रेशर से ब्लेंड करना है इसको और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखो दोस्तों इससे ज़्यादा बढ़िया ये ब्लेंड हुआ है। अब दोस्तों टिश्यू पेपर से बात करते हैं। टिश्यू पेपर से टिश्यू पर दोस्तों ज़्यादातर बड़े बड़े एरियाज़ को ब्लेंड करने में काम आता है, जैसे लाइक फेस का जो चिक्स होती हैं वहाँ ब्लेंड करते हैं टिश्यू पेपर से। बड़े एरियाज़ को बड़े आराम से ब्लेंड करता है, क्योंकि इसका हाथ से यूज़ करके ब्लेंड करते हैं ना अपन लोग। दोस्तों ये भी सही ब्लेंड हो गया है। अब दोस्तों मेरी फेवरेट चीज़ दोस्तों ब्रश के बारे में। दोस्तों ज़्यादातर प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं जो ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड करते हैं दोस्तों, मेकअप ब्रश आते हैं, पर दोस्तों मैं तभी वाटर कलर से नॉर्मल ब्रश आया जो उससे यूज़ करता हूँ। दोस्तों इससे ब्रश काफ़ी सॉफ्ट होती है, ब्रश के जो हेयर तो बहुत सॉफ्ट होते हैं दोस्तों, तो इससे काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो जाता है। तो दोस्तों देख लो काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो गया है दोस्तों। दोस्तों इन चारों में से सबसे बढ़िया शेडिंग और मतलब जो ग्रेफाइट बिल्कुल नहीं दिख रहा है इसमें हुआ है, और एक थोड़ा बहुत ही कॉटन बर्ड में हुआ है। इसके बाद टिश्यू पेपर, दोस्तों लास्ट में पेपर स्टम्प। दोस्तों तो पेपर स्टम्प ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं दोस्तों जब शुरुआत में स्केचिंग शुरू करी थी जब इसको मैंने बाय किया था, तो दोस्तों ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता मेरे लिए। दोस्तों इसको जब बहुत ज़्यादा डार्क एरियाज हो जाए ना तो उसको ब्लेंड करने काम आता है, पर दोस्तों मैं तो अभी ब्रश का यूज़ करता हूँ। इससे काफ़ी बढ़िया और हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग को बनाने में यूज़ आता है। तो दोस्तों कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो अपने हाथ फिंगर्स होते हैं फिंगर्स उससे ब्लेंड करते हैं, तो करके दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये मैं ब्लेंड कर लिया है नॉर्मल ब्रश के साथ। अब मैं अपने फिंगर्स को लेकर ब्लेंड कर रहा हूँ। दोस्तों काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्मूथ और ब्लेंड हुआ है। कभी आप भी ट्राई करना दोस्तों हाथों से, बहुत बढ़िया ब्लेंड होता है। दोस्तों ब्लेंड हो चुका है और दोस्तों दूसरे को भी ब्लेंड कर रहा हूँ मैं अभी। दोस्तों ये भी ब्लेंड हो चुका है दोस्तों, सबसे स्मूथ दोस्तों हाथ से ही ब्लेंड होता है, क्योंकि इसमें स्किन होती है और ग्रेफाइट स्किन से जब रब करते हैं तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो जाता है दोस्तों पेपर के ऊपर। दोस्तों पेपर का टेक्सचर का भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों, अभी स्मूथ टेक्सचर है। अगर आप कार्टेज पेपर लोगे तो दोस्तों उस पर तो कोई से भी मतलब आप जो ब्रश होता है उससे भी ब्लेंड करोगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। अब दोस्तों जो शेडिंग करते हैं दोस्तों की ब्लेंड करने के लिए शेडिंग, वो दोस्तों वो कैसे करते हैं। दोस्तों शेडिंग करने के लिए दोस्तों लेयर बाय लेयर करना चाहिए अपने को शेडिंग। जैसे फर्स्ट लेयर हो गया, अगर आपको इससे भी ज़्यादा डार्क चाहिए तो दोस्तों दूसरे एंगल से शेड करने लग जाओ। दोस्तों अगर आपसे ये अगर इससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो और डार्क चाहिए तो आप अलग एंगल से और शेड करने लग जाओ। और दोस्तों फिर आप उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं।
दोस्तों लेयर बाय लेयर शेडिंग करने का फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि दोस्तों अगर आप किसको इरेज करना चाहते हैं ना तो बड़ी आराम से इरेज हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप डार्क से एकदम से डार्क कर प्रेशर से अगर आपने शेडिंग कर दी दोस्तों तो वो इरेज नहीं होता ढंग से दोस्तों। तो ये सब जितने भी हमने शेडिंग करी दोस्तों नॉर्मल से मतलब हल्के प्रेशर करिए तो दोस्तों सब इरेज हो जाएंगे। देखो बड़े आराम से इरेज हो रहे हैं, हल्के प्रेशर से इरेज हो जा रहे हैं दोस्तों, ये सब इरेज हो गए दोस्तों अगर आप देखें तो। तो इसलिए दोस्तों अपने को हार्ड हैंड से नहीं दोस्तों नॉर्मल हैंड से दोस्तों ब्लेंड करना चाहिए, नॉर्मल हैंड से ब्लेंड और शेड दोनों करना चाहिए ताकि इरेज हो जाए दोस्तों काफ़ी। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया हो कि ब्लेंडिंग कैसे करते हैं और किन इक्विपमेंट के साथ करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।